हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेट्रोल एंड प्रियांशु। सो होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में चिल कर रहे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, अपनी ब्रेज़ा का रिव्यू फाइनली लेके आ गए हैं आपके लिए। तो भाई, इसमें आपको पता है, जो मैं जो गाड़ी लेता हूँ या स्कूटी लेता हूँ, जो भी लेता हूँ, फुल रियल रिव्यू रहता है अपना। तो इसका रियल रिव्यू देंगे कि आपको LXi वेरियंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना, स्टे ट्यून्ड रहना, पूरी वीडियो देखना। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सो आगे से आपको क्या क्या मिल जाता है, यहाँ पे अपना प्रोजेक्टर हैलोजन सेटअप मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। LXi VXi में सेम लाइट आती है, ZXi में ड्यूअल प्रोजेक्टर आते हैं LED, ठीक है। नीचे क्रोम प्लस फॉग, ये अपना फॉग लाइट हमने बाहर से लगवाई है, ये LXi में आपको नहीं मिलेगी। सो आगे स्ट्रिप प्लेट आपको नहीं मिलेगी, ब्लैक मिलेगी, ये हमने बाहर से लगवाई है, सिल्वर मॉडिफिकेशन का पार्ट है। तो आओ साइड में चलते हैं। तो साइड से भाई एक चीज़ मेन, ये जो अपना ए पिलर होता है ना, ये LXi में बॉडी कलर आता है, लेकिन VXi और ZXi में ब्लैक आता है। तो ये हमने ब्लैक टेपिंग करा ली इस पर पूरी, और जो साइड मिरर है ये हमने टेपिंग करा लिया ब्लैक में। तो ये कहीं ना कहीं लुक को बहुत एनहांस कर रहे हैं। दूसरी LXi और इसको देखोगे ना, बहुत डिफरेंस लगेगा आगे से, ठीक है। तो आओ साइड में चलते हैं। साइड में भाई ये सारा जो क्रोम है, विंडो गार्डन जिसको हम कहते हैं, ये हमने एसेसरी में लगवाई है। डोर वाइजर हो गए ऊपर, ये हमने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं, LXi में कुछ नहीं आता। और बैक साइड अगर हम चलें तो बैक साइड ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, पीछे अपना LED सेटअप आता है, टेल लाइट इसकी LED आती है, ठीक है, बेस से लेकर टॉप मॉडल तक। और यहाँ पे हमने गार्ड लगवाया क्योंकि ये वाली स्किट प्लेट सिल्वर, ये हमने लगवाई और रिफ्लेक्टर लगवाए हैं। सो बाहर से यही सब था, बाहर से आपको यही सब मिलता है इसमें। सो यहाँ पे जो अपना क्वार्टर पैनल का जो मिरर है, इसको हमने जेड ब्लैक करा रखा है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो यहाँ से धूप बहुत ज़्यादा आती है। और ये सारी एसेसरी हमने ओरिजिनल लगवाई है, इस पर माउंटेन की थीम आती है मारुति में, तो ये आप ध्यान दें। शार्क फिन एंटेना इसमें आता है बेस मॉडल से, और रूफ रेल इसमें नहीं आती, ना LXi में आती है ना VXi में आती है, वो डायरेक्ट आपको ZXi में मिलेगी। और भाई ब्रेज़ा का जो एक पार्ट जो मुझे थोड़ा बिल्कुल बेकार लगता है, वो है इसके इतनी मोटी मोटी जो व्हील आर्क्स हैं। भाई देखो, सारे में चलते हुए इतने मोटे मोटे आपको लगेंगे, और गाड़ियों में देखोगे तो बहुत ही मिनिमल आते हैं। और इनकी दिक्कत ये है, अगर आप इनको ढंग से साफ़ नहीं करोगे तो देखो पूरी ना डल पड़ गई है, ब्लैक कलर पूरा ऐसे ग्रेइश ग्रेइश लग रहा है आपको, तो इसको ढंग से साफ करना पड़ेगा। और इसमें जो व्हील्स हैं अपने, 16 इंच का भाई MRF Frontrunner का टायर आता है इसमें, 215/60R16 इसकी प्रोफाइल है। तो ये चेंज मैंने क्यों नहीं करवाया, इसका भी आपको रीज़न बता देता हूँ कि ये है अपना MRF का टायर, तो ये आपको 8.5 से 9,000 रुपये कॉस्ट करेगा पर टायर। और इसमें अगर मैं इनको नया होते ही चेंज करवा लेता, अलॉय लगवाता, तो मुझे मतलब इतने का ही पड़ता, 17 इंची भी 1,000-1,500 ऊपर MRF का। तो इस इनकी जो वैल्यू मिल रही थी वो 20,000 से 22,000 मिल रही थी, जो वो कह रहे थे कि इनको एक्सचेंज करके आपको नया टायर दे देंगे, JK या पोलो जो आप अपने उससे लगवाओगे, अलॉय का जो प्राइस है वो अलग। सो अभी हमें वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि टायर यार MRF का बहुत सही होता है ग्रिप वाइज वगैरह, तो इसको अभी हम ऐसे ही चला रहे हैं, इतनी कोई नीड नहीं है। अलॉय इसको जब ही ख़राब हो जाएंगे जब लगवाएंगे इसमें, ठीक है। तो बाहर से यही सब था, आपको सारा कवर कर दिया। सो अब इसकी गाड़ी में चलेंगे, इंटीरियर में इंटीरियर की करेंगे बात। तो अब आपको इसको दिखाते हैं बोनेट एरिया। तो यार अभी थोड़ा गंदा हो रहा है, कल बारिश वगैरह हुई थी। ये 1500 cc का इसमें पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 101 BHP प्रोड्यूस करता है पेट्रोल पे, और 88 ये प्रोड्यूस करता है CNG पे। तो भाई ये यहाँ पे देखो इसकी बैटरी एरी, फिर हमने एम्पलीफायर वगैरह लगाए थे, उसकी वायरिंग जा रही है, फ्यूज़ लगा हुआ है, वहाँ पे अपना ABS मॉड्यूल है, यहाँ पे अपना वॉशर फ्लूड हो गया, कूलेंट का हो गया, तो ये सब तो आपको पता ही होगा। और ये भाई जिसको CNG गाड़ी लेनी है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बेस्ट इन द सेगमेंट CNG में मारुति सुजुकी ब्रेज़ा। तो भाई CNG मॉडल है, सबको वेट होगा बूट का, तो आओ आपको बूट दिखाते हैं इसका। ये 1, 2, 3। तो यहाँ पे अपने शेड्स पड़े हैं, यहाँ पे भाई नीचे थोड़ा बहुत सामान आपको नीचे आ जाएगा, इसमें सूट केस ना मतलब बहुत मुश्किल है सूट केस इसमें आए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपके जो बैग वगैरह होते हैं नॉर्मल बैग आ जाएंगे, सूट केस की मैं गारंटी नहीं ले रहा, अभी मैंने डाल के देखा नहीं, वो भी एक दिन टेस्ट करेंगे डाल के कि क्या क्या आता है, और ये पार्शल ट्रे ऐसे हट जाएगी, ठीक है। और इसके नीचे अपना स्पेयर टायर इसके नीचे ही आता है, और ये निकलेगा कैसे, ये आगे वाली सीट फोल्ड करके निकलेगा इसमें, यहाँ से नहीं निकलेगा, और साइड में थोड़ी सी कपी होल्स है नॉर्मल सामान वगैरह रखने के लिए। तो यही कुछ इसका बूट स्पेस था, तो यहाँ से आपको बंद करने के लिए यहाँ से मिल जाता है, लेकिन बढ़िया सीधा ऐसा। चलो अब चलते हैं डायरेक्ट इंटीरियर में। सो जी हम आ गए हैं इंटीरियर में, इंटीरियर मेन जो होता है, जहाँ पे आपको पूरा बैठ कर ट्रैवल करना होता है अपनी गाड़ी में।
सो इंटीरियर अभी आपको देख के लग रहा होगा ये सब तो देखो मॉडिफिकेशन का पार्ट है। ये सिल्वर गार्निश आ गई, ये एम्बर लाइट हो गई, ये कुछ नहीं आता, ये सारा ब्लैक आता है डोर, ये भी ब्लैक आता है, ये भी हमने क्रोमेंडल लगवाई है। और मेन चीज़ इधर आ जाओ, ZXI प्लस का स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है इसमें, ये भी हमने चेंज करवाया था। तो इसकी भी एक मॉडिफिकेशन की ना डिटेल विद प्राइस मैं अलग बना दूंगा आपको ब्रीफ करते हुए। इसमें सिर्फ LXI की बात करते हैं, तो LXI में ये मीटर देखो आप, मीटर में अगर मैं आपको बताऊं तो मीटर ये देखो, लेफ्ट साइड अपना RPM मीटर है, राइट साइड अपना स्पीडोमीटर है, CNG की यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि CNG में है, पेट्रोल में है। इसको चेंज करने का स्विच अपने को यहीं मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल। और मेन चीज़ जो 2024 वाले मॉडल में आई है, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें दे दिया है अब इन्होंने, पहले ये नहीं आता था। तो ये मेन चीज़ आप दिमाग में रखें, यहाँ से आप इसको होल्ड करके रखोगे यहाँ से स्विच हो जाएगी पेट्रोल में, ये अपना हेडलाइट लेवरर का कंट्रोल हो गया। और ये सारी जो किट लगी हुई है ना, ये सारी किट जो लगी हुई है ZXI की है, तो ये हमने चेंज कराई थी, सारी आपको ब्लैक लगेगी। और ये अपना जो मैनुअल AC आता है इसमें, ये AC तो नहीं चेंज हो सकता, VXI से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलने लग जाता है। 12 वॉट का सॉकेट इसमें मिला था। ये अपना जो USB वाला है फ्रंट USB चार्जर, ये हमने लगवाया है। तो मैं आपको एक सजेशन दूं तो फ्रंट USB जो चार्जिंग के लिए है ये मत लगवाना, ये एप्पल कारप्ले के लिए होता है मेनली, और ये चार्जिंग इतना सपोर्ट नहीं करता। तो इससे बढ़िया अगर आपको चार्जिंग ही करनी है तो जो अपना साइड में अब आए हैं, तो आमरश की बात भी कर लेते हैं। आमरश इसमें स्लाइडेबल, इसका ZXI प्लस वाला जो वेरियंट है उसमें आता है, ये ZXI तक आपको आमरश प्रोवाइड नहीं करते ये लोग। इसके पीछे जो दो चार्जिंग स्लॉट आते हैं जो आपको दिखाएंगे, वो लगवा लेना, वो फास्ट चार्जिंग है। और इसमें गियर नॉब शुरू से ही अपने को ये वाला मिलता है, टॉप मॉडल तक ये सेम आता है ZXI तक, ठीक है। और ये सारी यहाँ पे एम्बियर लाइट हमने लगवाई हुई है, ये कलर चेंज होती है इसके, K4 ये मॉडल है, मतलब इसमें बहुत सारा आपको जो डिफरेंट कलर्स है मल्टी कलर वाली आती है तो वो मिल जाएगी। ऊपर अपने को देखा जाए ये माइक है, ये स्टीरियो का माइक है, स्टीरियो भी इसमें नहीं आता। और ये जो फ्रेम है, ये ग्लॉसी ब्लैक जो फ्रेम है, ये भी लगवाया है, ये मैट आता है प्रॉपर। और ये पूरा ZXI प्लस का स्टीयरिंग व्हील लगवा दिया, मेन अट्रैक्शन जो इसकी थी तो ये हमने लगवाया। ये कम से कम आपको कॉस्ट करेगा 4500 विद इसका जो हब होता है एयरबैग का, उसको मिला के, ठीक है जी। और तो आगे कुछ बचा नहीं। यहाँ पे अगर आपको बताऊँ, इसमें जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो होते हैं मिरर आते हैं अपने, लेकिन वो फोल्डेबल नहीं है, फोल्डेबल का बटन यहाँ पे होता है, वो VXI से आपको मिलेंगे। ये ट्विटर एरिया आ गया, ये खाली होता है, ये प्रोवाइड होते हैं, इसके अंदर ट्विटर फिट हो गए हैं, अभी स्पीकर वगैरह सब बाहर से लगवाए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मिरर वगैरह कुछ नहीं मिलता अपने को LXI वेरिएंट में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, टिकट होल्डर मिला हुआ है बस, ठीक है जी बस। सो जी पीछे के स्पेस की बात करें तो पीछे हमने बंदा बैठा है हमारा, 6 फुट भाई की हाइट है, तो हमने ये वाली जो सीट है ना फुल पीछे करी हुई है ना अन्नी, फुल पीछे है ना, फुल पीछे है। तो भाई अपना स्पेस एक बार शेयर करेंगे, बताओ सर। तो यहाँ पे पूरे पैर टच हो रहे हैं। और ये अभी हमने पूरी भी आपको दिखाने के लिए करी हुई है, वैसे इसकी जो पोजीशन है वो भाई अपने हिसाब से थोड़ी आगे सेट करो, आप बताओ स्पेस। तो अब गैप आ रहा है, अब गैप आ रहा है। और भाई साइड में नीचे अपने जो चार्जिंग सॉकेट है, ये भी हमने बाहर से लगवाई है, एक आपको टाइप सी मिलेगा और एक आपको टाइप ए मिलेगा, तो ये लगवा लेना भाई चार्जिंग के लिए, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, इनसे बहुत अच्छी चार्जिंग हो जाती है। और ये जो रियर AC वेंट है, ये आपको LXI से ZXI तक ये मिलेंगे, ठीक है जी। और साइड में एम्बियर लाइट लगाई हुई है पीछे, तो ये अभी दिन में कुछ ऐसा व्यू आता है इसका। और कंफर्टेबल कहता है शुभम, कंफर्टेबल बता। कंफर्टेबल है पूरा, वैसे तीन बैठ सकते हैं, तीन बंदे बैठ सकते हैं, और अगर चार, अगर देखो थोड़े बच्चे भी हैं तो चार भी आ जाएंगे, लेकिन तीन कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, है ना। बिल्कुल। और आगे का डैशबोर्ड का लुक दिखा दे भाई एक बारी, ये हमने मॉडिफिकेशन करा के भाई पूरा जो इसका डैशबोर्ड है ZXI प्लस का करवा दिया। स्टीयरिंग मेन अट्रैक्शन इसका जो देता है वो स्टीयरिंग देता है, उसके बाद ये जो किट है, ये आपको बहुत सारे आजकल आपको मिल जाएंगे आफ्टर मार्केट जो है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई, ब्लैक वाइट कुछ, लेकिन मुझे OEM में जाना था तो इसलिए मैंने ये टॉप मॉडल वाली लगवाई, सिंपल एंड सॉर्टेड, ठीक है जी। तो जी आपको बता दूं, गाड़ी अपनी चल गई है, यहाँ से रेंज और इसकी एवरेज वगैरह सब बताता है। ये आती है पेट्रोल की आती है, ये आपको CNG पे नहीं बताएगा, ठीक है। यहाँ से हमने स्विच किया ट्रिप बी, ये अपनी 2642 किलोमीटर ओडो ये टोटल चल गई है, और ये अपना ट्रिप ए आ गया। और यहाँ पे टाइम शो करता है, यहाँ पे ऊपर CNG है, स्विच करूँगा पेट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट में पेट्रोल की वो है कितना है, ये हाफ से ऊपर है, और ये CNG का आपको मीटर मिल जाएगा, 3 पॉइंट CNG के बचे हुए हैं। और ये 3 जो शो कर रहा है, ये रियर की जो अपनी सीट बेल्ट होती है ना, उसका भी रिमाइंडर देता है, और उसके लिए भी ये आपको वो देगा कि आपने पीछे की बेल्ट नहीं पहनी, बार बार ये आपको नॉइस क्रिएट करेगा, तो पीछे की बेल्ट भी पहने और बेल्ट पहननी चाहिए। और यहाँ पे आपको बेल्ट का वो मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं तो बेल्ट वगैरह हमने अभी कुछ नहीं पहनी हुई है।
भाई इसमें मेरा जो अपना मिलता है ऑटो टिम वाला नहीं मिलता, नॉर्मल मिलता है। तो भाई अलग सा वेरियंट में इसमें जो की मिलती है ना आपको भाई 10,80,000 की ऑन रोड गाड़ी, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेजा एलेक्सा CNG, और उसमें की देखो भाई 10-15 साल से यार मारुति यही दे रहा है, क्या हो गया मारुति को। आज अगर मैं बात करूँ, मेरा दोस्त था उसके बाद वैगनार है ऑटोमेटिक भाई, वो भी मुझे यही चाबी दिखा रहा है और मैं उसको ब्रेजा की सेम चाबी दिखा रहा हूँ, कैसे चलेगा। अब इससे बढ़िया ह्यूंडई की यहाँ पे कहाँ अच्छी लगती है, वो आपको बेस से ही या कोई भी गाड़ी में बेस से एक ऊपर मॉडल में आपको फ्लिप की दे देती है, तो वो एक अच्छा भाई बहुत अच्छा लगता है आपको रखने में भी। इसमें आपको चाबी यही मिलती है। अब लॉक अनलॉक मिल गया, लॉक दबाऊंगा सिंगल आवाज़ आएगी, अनलॉक दबाऊंगा आपको दो आवाज़ आएगी, सेंटर लॉकिंग इसकी ये होगी। तो भाई इसका हॉर्न सुनाते हैं एक बार, इशुमा भाई बजाओ वन को। तो जी रिव्यू आपने देख लिया, आप एंड में बात करते हैं कंक्लूजन कि अपना जो एलेक्साई वेरियंट है भाई, गाड़ी तो देखो आपको पता है सेल से पता लग गया होगा गाड़ी ये A1 है, इससे बेस्ट कुछ सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं वो भी अलग अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन इसकी इसका कोई तोड़ नहीं है भाई, तो ये बात तो फैक्ट है। अब मॉडल पे बात करते हैं, मेन में हाईलाइट कर रहा हूँ एलेक्साई के लिए। तो जो कोई एलेक्साई ले रहा है, जैसे कोई जिसकी पहली गाड़ी है या कोई स्कूटी वगैरह से शिफ्ट कर रहा है या कोई ऑल्टो वगैरह चलाता है उससे शिफ्ट कर रहा है, जिसको नॉर्मल बेसिक गाड़ी रखनी है, 4 स्पीकर एक स्टीरियो लगवा के चलानी है बेसिक, उसके लिए ये बहुत ठीक है। लेकिन जो कोई गाड़ी एक नॉर्मल कार से जैसे हमने सेंटर से शिफ्ट किया एलेक्साई पे, तो हमें बाहर से यार आफ्टर मार्केट जो काम होता है ना, अंदर से आपको अच्छा लग रहा होगा सारे भाई काम हमने अच्छा करा लिया, सड़क से ही बनवा ली, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे रूफ रेल्स रह गई, तो आफ्टर मार्केट तो उसका भी वो आ गया आपको सोल्यूशन के, ड्रिल करवा के लगवा लूँ, लेकिन फिर है वही भाई OEM वाली बात कहाँ आएगी जो कंपनी से आती है फैक्ट्री फिटेड वाली। तो भाई मेरे को एलेक्साई वेरिएंट में आपको कहूँगा कि एलेक्साई मेरे हिसाब से मत लेना, वैल्यू फॉर मनी यही है सबसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी जाओ तो BXI या ZXI पे चले जाना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। अब मुझे थोड़ा दुख होता है कि हम ZXI लेते, सनरूफ भी आता, रूफलेस वगैरह सब आती, और विद ब्लैक कलर आ जाता, जो ब्लैक कलर अपनी जो मारुति है वो सिर्फ ZXI में देता है। तो ये कुछ साइज की बात, जिसको भाई बाहर से सरदर्दी नहीं चाहिए आफ्टर मार्केट काम नहीं करवाना, क्योंकि आफ्टर मार्केट काम जो होता है वो कोई कोई ना कुछ जगह होती हैं जो अच्छा करती हैं, नहीं तो वैसे करोड़ों में भाई बहुत स्कैम चल रहा है आफ्टर मार्केट काम से, तो उससे थोड़ा बच के रहना। जिसको बाहर की जो सिरदर्दी नहीं चाहिए वो VXI पे चले जाना, स्पीकर वगैरह उसमें सब मिल जाते हैं, या फिर जिसको लुक्स भी चाहिए वो ZXI पे चले जाना, उसमें सब मिल जाएगा आपको। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कम सब्सक्राइब कर देना भाई। तो आगे कोई रजा की वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे मैसेज ज़रूर करना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, कोई क्वेरी लेनी हो, बातचीत करनी हो गाड़ी के बारे में, मेरे बारे में, अपने बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मेरा भाई है हन्नी, आ यार कैसे हो, कैसा है भाई? तो भाई हन्नी के बाद जैसे आप देख रहे हो पीछे जो अपने एरोक्स की वीडियो बनाई थी, एरोक्स यमोए एरोक्स की वीडियो बनाई थी रिव्यू वगैरह, उसने हन्नी ने पूरा शेयर किया था, पूरी लोडेड है वो, उसकी वीडियो ज़रूर देखना, नीचे लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और भाई को भाई चैनल फॉलो कर लेना, इसका मैं लिंक दे दूंगा। ये सारे अपना क्या कहते हैं ऑटोमोटिव बाइक्स, ठीक है, और मॉडिफिकेशन हो गई, प्रेशर वॉशिंग सबका, जो जो मतलब मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, जो मोबाइल्स वगैरह के बारे में भी ये बताता रहता है, इसको इन चीज़ों का शौक है, तो दोनों चैनल के इसके लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय माता, लाइक सब्सक्राइब। ओ गड्डी मेरी ते बोलन लगे नोट फुड़े दुनिया रेट पुछ।